भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो मनोज कुमार मुर्मू एवं सीओ शंभु शरण रॉय ने बाथ थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष लाल बहादुर एवं अकबर नगर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार के साथ संयुक्त बैठक की गई। इस बैठक में बूथ का भौतिक सत्यापन के लिए एवं अति संवेदनशील बूथों का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा किए गए। इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि बाथ थाना, सुल्तानगंज थाना, अकबर नगर थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की गई, जिसमें बूथ का भौतिक सत्यापन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए, जो जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है, जिससे शांतिपूर्ण पंचायत संपन्न हो सके। सर, मीटिंग जो हुई है दे दिया जाए, हमको अपने से जाना होगा सर, फिर लोग कुछ पढ़ा देगा सर, फिर हम मंगलवार को खुद से जाते हैं सर। सर सोमवार दे दिया जाए सर, मंगलवार को फिर PGRO होगा सर, वहाँ नहीं जाएंगे, कल DM साहब का है सर कि आपका बहुत लंबे गया, हम वहाँ मंगलवार को PGRO चले जाएंगे। अपना सत्यापित करके ये पता करने कि किस बूथ पर कहाँ पर वल्नरेबिलिटी है सर, यानी कि वल्नरेबल करने का मतलब ये है कि अभी भी कुछ ऐसे बूथ हैं जहाँ पर सर हम आगे निकाल आगे नोटिस करवा देते हैं सर, जरा सा खाली एगो चिट्ठी सर वहाँ से बनवा दिया जाए, वही तीनों को दे दिया, तीनों को तीन खेसरा पर लगा देंगे, खत्म हो जाएगा सोमवार के दिन। चिट्ठी जरा सा भेज दिया, देखा जाए तो किसी चुनाव को लेकर जिस तरह से हिंसा हुई थी, बहुत ऐसे पंचायत हैं उस पर क्या करना चाहते हैं? जहाँ जहाँ हिंसा हुई थी उस रिकॉर्ड को भी हम लोग निकाल रहे हैं, पिछला पंचायत चुनाव या लोकसभा विधानसभा में पिछले 5 साल के अंदर में कहीं भी अगर चुनाव में हिंसा हुई है, खास करके उस बूथ के लिए हम लोग स्पेशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करेंगे, वहाँ पर हम लोग वहाँ पर प्रतिनिधि कोशिश की करेंगे ताकि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान वहाँ पर संपन्न करा सकें। ऐसे ही खबरों के लिए करें SE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।